कोर्स हमारी तरफ से तो हाय। नीली और मैं आप समझने होंगी। ओके सी यू लेटर। आपने हाँ ही कर दी? हाँ कर दी। अब मेरी पप्पी की झट मंगनी और झट ब्याह। लेकिन मैंने हाँ नहीं की। बट यू मीन पप्पी डैड के साथ मुंह मीठा करना उसका मतलब होता है कि हाँ। वो फखरू हो या मजनू हो मुझे उससे शादी नहीं करनी मम्मी। पप्पी अब तुम पलट रही हो अपने हाँ से। मैंने हाँ किया कब? मेरे मुंह में वो गुलाब जामुन ठूस दिया था वरना मैं फौरन इनकार करती। कोई लॉजिकल वजह होनी चाहिए ना इनकार की। है लॉजिकल वजह, फखरू है उसका नाम और ये नाम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पप्पी असल वजह क्या है? तुम्हारा चेहरा कोई और फिल्म दिखा रहा है मुझे। पप्पी कौन है? मम्मी मिस्टर खान ये टीम के हेड हैं ऑफिस में। मिस्टर खान अस्सलामुअलैकुम। क्या बात है, क्यों इतनी खुशियां मनाई जा रही हैं? अरे फखरू तुझे पप्पी मिलने वाली है। कौन मिलने वाली है? पप्पी। फखरू वेड्स पप्पी। मोचा ही मोचा। पप्पी मुंह तो मीठा करो मेरे भाई। अरे अरे भाई क्या हो गया है? कौन सी पप्पी कौन सी शादी, क्या बात कर रहे हैं आप? और ये भी भला कोई नाम हुआ पप्पी? भला इंसान को सुन के शर्म आ जाए। नाम तो अजीब है लेकिन बहुत ही क्यूट है और यूनिक भी। अरे उसके नाम पे मत जाओ, वो लड़की बहुत प्यारी है, हमने तो देखी भी है। अब ना जाओ, जाकर ना पप्पी की तस्वीर लेकर आओ जो उस दिन उनके घर से लाए थे। मैं भी लेकर आ रही हूँ। अरे भाभी जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कोई तस्वीर वस्वीर नहीं देखूंगा। प्रॉब्लम क्या है? हमारी दादी को पूरा खानदान जो है ना को पप्पी बाजी बुलाता था। और अरे अब्बा मुझे नहीं करनी किसी पप्पी से शादी। क्यों नहीं करना चाहते? वो मेरे दोस्त की बेटी है, मैं जुबान दे चुका हूँ, वो भी जो है इसे हामी भर चुके हैं, तुम क्यों शादी नहीं करोगे? अरे लो हद हो गए, अब आपके दोस्त की बेटी है तो मैं क्या शादी कर लूँ उसे? हैं मेरी घर में कोई मर्जी नहीं है क्या? अरे तुम्हारी मर्जी से तो अब तक तुम्हारी शादी नहीं हुई। और मैंने कितनी दफा तुमसे पूछा है कि अगर कोई पसंद आए तो मुझे बता दो, उससे तुम्हारी शादी करवा देते हैं। तब तो कहते थे अम्मी जी जो आपको पसंद आए मैं उससे कर लूंगा। अब क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? अरे हाँ भाई क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? बता दो ना क्या प्रॉब्लम है साहब जी, क्या प्रॉब्लम है? अरे क्या प्रॉब्लम है, एक बार उसकी तस्वीर देख लो, उससे मिल लो, फिर जो मर्जी करो। अरे अम्मी मैं भला ऐसी लड़की से कैसे शादी कर लूं जिसको मैं जानता तक नहीं हूँ? अरे जानता तो मैं भी नहीं था, मैंने भी तो किया। अब जान लो ना भाई, मेरी बात सुनो, तस्वीर तो हमारे पास आ गई, देखेंगे तो जान पहचान भी हो जाएगी मसला। अरे ना 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 ना, ना भाभी मैं इस लड़की की तस्वीर नहीं देखूंगा और ना ही इसे शादी करूंगा। अरे तो फिर किससे करनी है शादी? किससे करनी है बोलो, किससे करनी है? तो किससे करनी है? हाँ साहब जी बताएं ना आपने किससे करनी है शादी? दो किससे करनी है जल्दी बताओ ना। ओ भाई बता भी दे किससे करनी है। अरे बस, मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ और वो भी मुझे पसंद करती है और मैं सिर्फ उसी से शादी करूंगा और उसका नाम पप्पी नहीं है। थैंक यू फखरू। फखरू क्या कह रही हो, तुमने हाँ कर दी? मैंने हाँ नहीं की लेकिन मैं चुप हो गई। जब आप तुम्हें पता है मैं घर वालों से कितना लड़ा हूँ, सबके सामने मैंने ऐलान किया है कि तुम्हारे अलावा किसी और के साथ शादी नहीं करूंगा और तुम कह रही हो कि तुम चुप रही। तो मैंने भी फौरन मम्मी को बता दिया था लेकिन वो मेरी बात सुनने के लिए राजी नहीं है। तुम एक काम करो, तुम ना अपने डैड से बात करो। मैं ये नहीं कर सकती, मैं उन्हें क्या बताऊँ कि मैं फाखिर से मोहब्बत करती हूँ जो मुझे चंद दिन पहले मिला है। अरे यार तो क्या फर्क पड़ता है, प्यार करती हो ना मुझसे? And I'm sure कि तुम्हारे डैड तुम्हारी हर बात मानते हो। उनसे रिक्वेस्ट करो, उनको बताओ कि जिससे तुम प्यार करती हो अच्छा लड़का है, I'm sure वो मना नहीं करेंगे। डैड को तो मैं मना लूंगी लेकिन मम्मी का क्या करूं? वो तो इतनी जल्दी में, उनका बस चले तो वो मुझे अभी मायू में बिठाए, चंद घंटे बाद मेरे मेहंदी का फंक्शन करे और फजर से पहले मेरी रुखसती करके सो जाए। ये क्या हो गया जुबान, हम क्या सोच के चले थे और यहाँ तो कहानी ही पलट गई। मैं सोच रही थी मैं मम्मी को बताऊंगी तो वो तो खुशी से पागल हो जाएंगी और अभी हम तुम लोगों के पेरेंट्स से मिल रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे तो मुझसे पूछे बगैर मेरा रिश्ता तय कर दिया है। तो यहाँ पे भी तो यही हाल है। अब यार अगर दोस्त हैं जरूरी है कि रिश्तेदारी में भी बदलना उसको? तो दोस्त है तो दोस्त बन के रहे ना, दुश्मन क्यों बन रहे? देखो सुभाष मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, सारे घर वालों से लड़ लूंगा लेकिन तुमने भी मेरा साथ नहीं छोड़ना। प्लीज अपनी अम्मी से बात करो, अपने अम्मा को मनाओ, उनको बताओ कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। प्लीज अभी जाके बात करो ना उनसे।
ठीक है ओके बाय। तेनू एक वेख जगता हूं तेरे इश्क में ही जलता हूं जो तू प्यार से वेख ले तो ये दुनिया। डैड मुझे आपसे जरूरी। डैड ये क्या हुआ है? अरे ये कैसे हुआ है आपको? कुछ नहीं हुआ, ओवर रिएक्ट मत करो। ओवर रिएक्ट? हाथ में बैंडेज है, खून निकल रहा है, आप कह रहे हो ओवर रिएक्ट ना करो? मैं कह रहा हूं ना बिल्कुल ठीक, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। मैं कार चला रहा था, गलती मेरी थी, माइंड मेरा कहीं और था, बस टक्कर हो गई। आपसे किसने कहा है ड्राइव करने को? आप ड्राइवर रख लेना। दो कदम पे यूनिवर्सिटी है, अब इतने से फासले के लिए मैं ड्राइवर रख लूं? इतने फालतू पैसे नहीं है मेरे पास। कौन से हॉस्पिटल आप गए थे? और प्रिस्क्रिप्शन दिखाए मुझे। ये लो हल्दी वाला दूध। तुम कुछ कह रही थी? नहीं अभी कोई बात नहीं करनी, मैं बाद में कर लूंगी। शो शो आर्ट्स। पिए डैड? ना मैं नहीं पी सकता। नो नो मैं इनकार करने आई थी ना? तुम्हारे डैड की चोटों का दर्द खत्म हो जाएगा लेकिन तुम्हारे इनकार का दर्द वो सह नहीं पाएंगे। तो आप क्या चाहती हैं मम्मी? कि मैं एक ऐसे इंसान से शादी कर लूं जिसे ना तो मैं पहले कभी मिली हूं ना पसंद करती हूं? हम पे कोई भरोसा नहीं तुम्हें। पूछो क्या पूछना है फखरू के बारे में? तुम्हारे हर सवाल का जवाब है मेरे पास। मैं फखरू के बारे में कुछ नहीं पूछना चाहती, मैं मिस्टर खान से शादी करना चाहती हूँ। देखो पापी, तुमने जो पढ़ना चाहा हमने तुम्हें पढ़ाया, लाहौर जाकर जॉब करनी चाहिए हमने वो भी करने दी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हर बात में तुम अपनी मनमानी करोगी। इसमें मनमानी की क्या बात है मम्मी? जैसे आप लोगों ने मेरे लिए फखरू को चुना है वैसे मैंने अपने लिए मिस्टर खान को चुना है। इट्स माई राइट। और हमारा कोई राइट नहीं कि हम अपनी बेटी की शादी के बारे में सोचे? मम्मी शादी मुझे करनी है और जिस शख्स से मैं मोहब्बत नहीं करती उससे शादी करके क्या मैं खुश रह पाऊंगी? नहीं ना। नहीं मम्मी। तुझ में बसी है मेरी रूह मेरी जान वे अखता सुकून तू ही दिलदा करार वे सहना सकूंगा कदी दुनिया जुदाई दे तू ही मेरा सच।